हेलो वेलकम गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रो वाइड। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा Redmi Note 7 Pro डिवाइस वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन के साथ आता है बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब कि हमारा Redmi Note 7 Pro डिवाइस DRM प्रोटेक्टेड कंटेंट को फुल HD में स्ट्रीम कर सकता है Netflix, Amazon Prime, Hulu, Hotstar इन जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। लेकिन क्या हमारा Redmi Note 7 Pro डिवाइस इन प्लेटफॉर्म्स पे फुल HD में वीडियो प्लेबैक को सपोर्ट करता है? अगर आपके मन में ये सवाल है तो इस वीडियो में आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की और भी कमाल की वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर हमारे फ़ोन में वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है भी, तब भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई हम इन प्लेटफॉर्म्स पे फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाएंगे, प्लेबैक का मज़ा ले पाएंगे, क्योंकि वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन होने के बाद जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी अपने एंड पे डिवाइसेस को वाइट लिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर Netflix ने, Amazon Prime ने अपने एंड पे Redmi Note 7 डिवाइस को, पर्टिकुलर इस डिवाइस को वाइट लिस्ट नहीं किया होगा HD प्लेबैक या फिर फुल HD प्लेबैक के लिए, तो हम इस डिवाइस में वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन होने के बाद भी फुल HD में कंटेंट को नहीं प्ले कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं भैया Redmi Note 7 Pro डिवाइस में स्ट्रीम करेगा या नहीं करेगा। तो यहां पे मैंने टेस्ट किया है और टेस्ट में ये पाया है कि हमारा Redmi Note 7 Pro डिवाइस फिलहाल Netflix में HD रेजोल्यूशन पे वीडियोस को प्लेबैक कर रहा है। आप HD रेजोल्यूशन यानी कि 720p रेजोल्यूशन पे वीडियोस को स्ट्रीम कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं Netflix के ऊपर एज ऑफ नाउ। और जब ये फ़ोन आया था मेरे हाथ में, उस टाइम पे ये Netflix में भी फुल HD कंटेंट को नहीं सपोर्ट करता था, लेकिन जो इसका रीसेंट MIUI 10 का अपडेट आया था, MIUI 10.2.7.0, उस अपडेट के आने के बाद Netflix में ये HD रेजोल्यूशन पे वीडियोस को प्लेबैक कर सकता है। और इस बात को शाहरुख भाई, जो कि टेक्सटार शाहरुख चैनल से हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया था अपने एक वीडियो में। तो एज ऑफ नाउ आपको Redmi Note 7 Pro डिवाइस में Netflix के ऊपर HD रेजोल्यूशन में वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी मैं आपको टेस्ट करके पूरा दिखाऊंगा आगे, तो वीडियो में आप बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। और साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा कि हो सकता है Netflix के ऊपर भी हम इसमें फुल HD में कंटेंट को प्ले कर पाएं बाद में, कुछ टाइम के बाद। तो अब Netflix के बाद बात करते हैं Amazon Prime की, जिसके कि आप में से काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइबर्स हैं। तो यहाँ पे Amazon Prime पे जब मैंने इसमें वीडियो प्लेबैक किया, स्ट्रीम किया, तो वहाँ पे मैंने पाया कि भैया ना तो अभी HD में ना ही फुल HD में इसमें स्ट्रीम कर पा रहा हूँ मैं वीडियोस को। यानी कि Amazon Prime वीडियो ने अभी भी इस डिवाइस को वाइट लिस्ट नहीं किया है फुल HD वीडियो प्लेबैक के लिए। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे मेरे पास है पोको F1 डिवाइस और Redmi Note 7 Pro डिवाइस। यहाँ पे पोको F1 में फिलहाल मेरे डिवाइस में वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन नहीं है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। हालांकि पोको F1 डिवाइस में भी वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन आ चुका है OTF डेट के थ्रू, जो इसकी बीटा रोम है, और बहुत ही जल्द स्टेबल में भी वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरे पोको F1 में वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए मैं यहां पे टेस्ट करके दिखा सकता हूं आपको कि हां, एक डिवाइस में सपोर्ट करता है, एक में नहीं करता, तो कितना डिफरेंस आता है। अब यहां पे मैंने दोनों ही डिवाइसेस में सेम मूवी को ओपन किया हुआ है Netflix के ऊपर, तो आप यहां पे साफ-साफ देख सकते हैं कि Redmi Note 7 Pro डिवाइस में आपको टाइटल के बगल में HD लिखा हुआ दिख रहा है, जबकि पोको F1 में आपको HD लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। अब अगर वहीं बात करते हैं डाउनलोड क्वालिटी की, तो यहाँ पे इन दोनों ही डिवाइसेस पे मैंने डाउनलोड की जो सेटिंग है वो हाई पे रखी हुई है। और अगर हम डाउनलोड करते हैं सेम मूवी को, तो आप देख सकते हैं खुद ही कि यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस है साइज़ का। यानी कि Redmi Note 7 Pro डिवाइस में ये मूवी HD में डाउनलोड हो रही है, और वहीं पर पोको F1 डिवाइस में ये सिर्फ 540p रेजोल्यूशन पे डाउनलोड हो रही है। बट हमें अभी Amazon Prime में फुल HD वीडियो कंटेंट प्लेबैक का सपोर्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है Redmi Note 7 Pro के ऊपर। अब यहाँ पे Hotstar के बारे में थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं किसी वीडियो को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे फुल HD में दिखाता है, लेकिन वो एक्चुअल फुल HD प्लेबैक हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में। तो गाइस, अब करते हैं यहाँ पे अपना अगला टेस्ट। इसमें मैंने Redmi Note 7 Pro और पोको F1 दोनों डिवाइसेस में Amazon Prime वीडियो को ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे जब हम चलते हैं इसकी डाउनलोड सेटिंग में, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो बेस्ट क्वालिटी डाउनलोड की है वो है 0.46 GB पर आर। यानी कि एक घंटे का वीडियो होगा अगर, तो वो 0.46 GB, यानी कि उसका साइज 460 MB का होगा। लेकिन अगर हमारे डिवाइसेस में फुल HD का सपोर्ट होता तो इस वीडियो का साइज होता 1.82 GB पर आर। तो इसका मतलब हमारे दोनों ही डिवाइसेस में, मतलब पोको का तो पता ही है आपको को नहीं सपोर्ट करता, लेकिन Redmi Note 7 Pro डिवाइस में भी Amazon Prime पे अभी फुल HD में वीडियोस को आप स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं, ना ही डाउनलोड कर सकते हैं। इवन आप HD में भी अभी Amazon Prime में स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं। बट आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे अपडेट के थ्रू मोस्ट प्रॉब्ली आपको Amazon Prime पे भी फुल HD का सपोर्ट मिल जाएगा, या फिर एटलीस्ट HD का सपोर्ट मिल जाएगा Redmi Note 7 Pro डिवाइस में, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और यहाँ पे इस वीडियो को बनाने के पीछे एक
इंस्पिरेशन थी। धनंजय भोसले भाई ने एक काफी कमाल का वीडियो बनाया था जिससे मुझे काफी इन्फॉर्मेशन मिली थी, उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं और काफी कमाल की इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल सकती है। और गाइज अगर आप एक पोको F1 डिवाइस यूजर हैं तो आपको एकदम दुखी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पोको F1 डिवाइस में भी वाइड बैंड L1 का सर्टिफिकेशन आ चुका है इसकी बीटा रोम पे, और स्टेबल रोम पे भी अपकमिंग OTA में मोस्ट प्रॉब्ली आपको वाइड बैंड L1 का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जब इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स इस डिवाइस को व्हाइटलिस्ट कर देंगे तो उसके बाद आप HD में या फिर फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाएंगे, प्लेबैक कर पाएंगे, जो कि काफ़ी कमाल की बात होने वाली। बट फिलहाल Redmi Note 7 Pro काफ़ी धांसू डिवाइस है और एटलीस्ट नेटफ्लिक्स में आप HD में कंटेंट को प्ले कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं फिलहाल, और Amazon Prime का भी सपोर्ट मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्द मिल जाएगा। हॉटस्टार के बारे में मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपसे शेयर करूंगा ज़रूर। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने विचार, और सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड्रॉइड को, क्योंकि मैं इस तरह की और भी कमाल की वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।